हेलो फ्रेंड्स, आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। और आपने अगर अभी तक हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो नीचे दिए हुए लाल बटन को दबाएं और सब्सक्राइब करें। नाउ वी कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। 15 ए इज इक्वल टू 8, फाइंड साइन ए एंड सेकंड। यहाँ पे देखिए कोई भी फिगर नहीं बनी है, तो हम पहले इसकी फिगर ड्रॉ करेंगे पहले, लेकिन इसे सॉल्व कर लेते हैं, इसे रीअरेंज कर लेते हैं। 15 cot a इज इक्वल टू 8, तो हम इसे लिख सकते हैं cot a इज इक्वल टू 8 अपॉन 15। ठीक है, अब cot a किसका रेसिप्रोकल है? tan a का। ठीक है, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, sin a cos a tan a, और tan a परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो cot a हो जाएगा बेस अपॉन परपेंडिकुलर। ठीक है, अब हमारे पास डायग्राम, इसका डायग्राम बना लेते हैं। इसके लिए ये बेस है तो हम यहां पे लिख देंगे 8 और परपेंडिकुलर है हमारे पास 15 है। अब हमें निकालनी है साइन ए के लिए, हमें हाइपोटेन्यूज की जरूरत है, तो हम क्या लगाएंगे? पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, तो यहां पे ये ए सी स्क्वायर हो जाएगा और हमें इसे के लेना है, और हमें इसे के लेना है। के क्यों लेना है? के इसलिए लेना है क्योंकि ये एक रेशियो है, और ये सिंपल 15 अपॉन 8 अपॉन 15 इसकी सिंपलेस्ट फॉर्म है, तो हमें एक्यूरेटली नहीं पता है कि एक्चुअल में क्या था और क्या कट के ये 8 अपॉन 15 आया। ठीक है, तो ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। ए सी इज इक्वल टू जगह रूट 225 के स्क्वायर प्लस कितना और ऐड करना, 289 तो नहीं है, और ये हो जाएगा 1720। इट मीन्स हाइपोटेन्यूज हमारी कितनी है? 17 की। बस अब निकाल लो, साइन ए इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, कितना परपेंडिकुलर एंगल ए के सामने, 15 के अपॉन सेकंड। किसका रेसिप्रोकल है? कॉस। क्या होता है? बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो हमें निकालना हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस। हाइपोटेन्यूज कितना हमारा 17, और बेस कितना है 8, ये जाएगा 17, ये 15 अपॉन 7, 17 और 17 अपॉन 8। तो भाई वीडियो को पॉज करो और इसे नोट करो। नाउ वी कम टू द सिक्स्थ क्वेश्चन। इफ कॉस ए इज इक्वल टू कॉस बी, देन प्रूव दैट एंगल ए इज इक्वल टू एंगल बी। और इसमें बोल रखा है कि ए एंड बी एक्यूट एंगल्स हैं। ठीक है, इसकी फिगर ड्रॉ कर लेते हैं। इसे जो सॉल्व हम कर रहे हैं वो दो ट्राइंगल्स लेके भी कर सकते हैं, और एक सिंगल ट्राइंगल्स में भी इसे, ट्राइंगल में भी इसे सॉल्व किया जा सकता है। ठीक है, सिंगल ट्राइंगल में देखते हैं कैसे किया। माना एक ट्राइंगल है ए बी सी, राइट एंगल सी पे है, और ए और बी एक्यूट एंगल्स है। अब आपको समझ आ गया होगा कि ए और बी एक्यूट क्यों बोला है। इट मीन्स एंगल ए और एंगल बी 90 डिग्री नहीं, ना ही एंगल ए 90 है ना ही बी। ठीक है, तो एंगल ए और एंगल बी क्या है, 90 डिग्री नहीं है, इसलिए एक्यूट एंगल्स है, तो सी 90 डिग्री है। अब यहां पे हम देख लेते हैं कॉस ए इक्वल, कॉस ए कितना है, एंगल ए के लिए बेस ही हो जाएगा, और हाइपोटेन्यूज ए बी, क्योंकि कॉस ए इज इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, और कॉस बी इज इक्वल टू हो जाएगा बी के लिए ये बेस है बीसी अपॉन ए बी, हाइपोटेन्यूज विल रिमेन सेम फॉर बोथ द एंगल्स। ठीक है, अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कॉस ए इज इक्वल टू कॉस बी, सो ये क्या गिवन है, कॉस ए की क्या वैल्यू है, और बी कॉस बी की कितनी है, बीसी बाय
AB से AB कटा, इट मींस AC इज इक्वल टू BC. AC इज इक्वल टू कितना है? BC. और अगर किसी भी ट्राइंगल में अपोजिट साइड इक्वल है तो उनके एंगल्स भी क्या हो जाएंगे? कौन से एंगल्स इक्वल हो जाएंगे? अपोजिट एंगल्स. तो AC के अपोजिट कौन सी साइड, कौन सा एंगल है? एंगल B. सो मैं कह सकता हूं कि एंगल A और एंगल B भी क्या हो जाएगा? इक्वल हो जाएगा. और इसकी जो थ्योरम है वो लिख सकते हो, एंगल्स आर इक्वल टू अपोजिट इक्वल साइड, हेंस ट्रू. ठीक है, बाकी जो क्वेश्चन मैंने स्किप किए वो सेम थे इसीलिए मैंने उन्हें करवाया नहीं है. ठीक है, इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं. ये वाली वीडियो नोट कर लो, पॉज कर. Now we come to the next question, question 7. If cot theta is equal to 7 upon 8, evaluate 1 plus sin theta 1 minus sin theta divided by 1 plus cos theta 1 minus sin theta. तो हमें पता है कि 7 upon 8 दे रखा है. 7 question के द्वारा क्या होता है cot theta? Base upon? तो हमारे पास base कितने है? 7 के. और perpendicular कितना है? 8 के हो जाएगा. ठीक है, जब से जैसे ही हम इसकी रियल वैल्यूज निकालते हैं तो k अलग से एक लग जाता है. थीटा के लिए बेस 7 के, ये कितना आ जाएगा? परपेंडिकुलर 8 के हो जाएगा. और ये हमारा h स्क्वायर इक्वल हो जाएगा इसकी वैल्यू ये हो जाएगा रूट 113 के स्क्वायर इज इक्वल टू 113. क्लियर? ये किसकी वैल्यू है हमारी? एच की वैल्यू होगी. ठीक है, अब हमें सॉल्व करना है, इसकी वैल्यू निकालनी है. बस क्या था हमारे पास? ये हमारे पास रूट 113 आ गया. 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस थीटा, इसे हम लिख सकते हैं. ठीक है, अब इसकी वैल्यूज हम इसमें रख देंगे. ये फॉर्मूला लगाया a प्लस बी, ए माइनस बी इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी ए माइनस बी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर. ठीक है, इसके बाद अब इसकी वैल्यूज हम पुट कर देते हैं, आंसर निकाल देते हैं फाइनल. साइन स्क्वायर थीटा कितना होता है? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज 8 upon root 113 का, और बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज 1 minus 64 upon 113 divided by डायरेक्टली कर रहा हूं मैं. ये 113 minus 64, ये देखो यहाँ एलसीएम 113 आ जाएगा, ये जाएगा 113 minus 64 49 upon 113 डिवाइडेड बाई 113 minus 49, तो ये फाइनल आंसर आ जाएगा. वीडियो को नोट करने के लिए पॉज कर लीजिए. नेक्स्ट पार्ट था इसका कॉट स्क्वायर थीटा, तो बहुत ही इजी है. कॉट हमारे पास है, कॉट स्क्वायर थीटा कितना हो जाएगा? क्लियर? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 8 पे बढ़ते हैं. 8 भी इजी है, पहले से रीअरेंज कर लो. कॉट इज इक्वल टू हो जाएगा 4 अपॉन 3
ये कितना है बेस और ये कितना है परपेंडिकुलर, एंगल ए के सामने परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर कितना है हमारे पास 3k और ये हो जाएगा, ठीक है। अब हमें पता है जहां परपेंडिकुलर 3 और बेस 4 है तो हाइपोटेन्यूज कितनी आती है 5 आती है, ठीक है। तो निकाल के भी देख लेते हैं, कितनी आई है 5। बस अब जो निकाल रहे हैं वो देखते हैं, हमें जो वैल्यू चाहिए थी 1 माइनस टेन स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर ए की चाहिए थी, 1 माइनस टेन कितना होता है परपेंडिकुलर अपॉन 3 अपॉन 4 का, ये हो जाएगा 9 अपॉन 16, 1 प्लस 9 अपॉन, तो ये डायरेक्टली सॉल्व किया 16 माइनस 16 माइनस 9 कितना होता है 7 अपॉन 16 डिवाइडेड बाई 16 प्लस 9 25 अपॉन 16, इसका आंसर आ जाएगा 7 बाई 25। क्लियर है। अब हमें पूछा गया भाई चेक कीजिए कि 1 माइनस टेन स्क्वायर अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर है कि नहीं, ठीक है ट्राई कर लेते हैं और सॉरी चेक कर लेते हैं। ये तो आपने नोट कर लिया ना, हमारी 1 माइनस टेन स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर ए की वैल्यू कितनी आई है अभी 7, ठीक है। अब हम कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए की वैल्यू लिख सकते हैं, कॉस स्क्वायर कितना, कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए कितना है हमारा, ये कितना था हमारा 3, ये कितना था 4 और ये कितना था 5, ठीक है। कॉस स्क्वायर क्या है 4 अपॉन 5, ठीक है, और का होल स्क्वायर माइनस सी कितना है 3/5, 16/25 माइनस 9/25 और ये एलसीएम सेम है तो ये जाएगा 16 माइनस 9 इक्वल टू 7/25, ठीक है। तो हम अगर माना हम कह सकते हैं कि दोनों की वैल्यू सेम आ रही है तो इट मीन्स 1 माइनस टेन स्क्वायर अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर, इट मीन ये हमारा आंसर, ठीक है। तो भाई पॉज द वीडियो अगर नोट करनी है तो, क्वेश्चन 9 इजी है डू योर सेल्फ, तो इसमें कौन सा फॉर्मूला अप्लाई हुआ है डी बाय एक्स, क्लियर। लास्ट एंड द इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वैसे इसमें राइट रॉन्ग भी है ट्रू और फॉल्स, लेकिन क्वेश्चन 10 जो क्वेश्चन है वो थोड़ा इंपॉर्टेंट है, आइए इसे देख लेते हैं क्या होगा इसमें। क्वेश्चन 10 एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत बार रिपीट हो चुका है। ट्राइंगल PQR राइट एंगल एट क्यू, इतना हम फिगर इसकी बना लेते हैं, क्यू पे राइट एंगल है, ठीक है। अब कंडीशन दे रखी है कि PR प्लस QR कितना है 25 सेंटीमीटर, मतलब PR का है, PR इन दोनों साइड को अगर जोड़ोगे तो कितना आ रहा है 25 सेंटीमीटर, PR प्लस QR अगर इन दोनों साइड्स का अगर ऐड करते तो कितना आ रहा 25 सेंटीमीटर, PQ कितना है 5 सेंटीमीटर है, ये दोनों साइड्स गिवन नहीं है, ठीक है। और अगर मैं इस साइड को x मानता हूं, इस साइड को अगर मैं x लेता हूं तो ये वाली साइड मेरी कितनी हो जाएगी 25 माइनस x हो जाएगी। तो मैंने यहां पे क्या किया है, कौन सी साइड को x माना है, लेट QR इज इक्वल टू x, तो PQ PR इज इक्वल टू कितना हो जाएगा
25 माइनस x, क्लियर है। अब ये राइट एंगल ट्राइंगल का हम इसमें पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर देते हैं। पाइथागोरस थ्योरम क्या कहते हैं, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, ठीक है। हमारे पास पी आर की वैल्यू कितनी है, 25 माइनस एक्स प्लस पी क्यू की वैल्यू कितनी है हमारे पास, 5 सेंटीमीटर का होल स्क्वायर प्लस क्यू आर कितना है, इसका हमने क्या माना है, एक्स एक्स स्क्वायर, ठीक है। अब यहां पे ए माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला अप्लाई कर दो, ये सेंटीमीटर भी है यहां पर, ठीक है, माइनस टू ए बी इज इक्वल टू 25 सेंटीमीटर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। अगर एक्स स्क्वायर दूसरी साइड जाता है तो ये इससे कैंसिल हो जाएगा, ये कितना होता है 25 का स्क्वायर 625 माइनस 50x इज इक्वल टू माइनस 50x इज इक्वल टू 25 सेंटीमीटर स्क्वायर माइनस माइनस 50x इज इक्वल टू 25 माइनस कितना हो जाएगा माइनस 600 हो जाएगा सेंटीमीटर, क्लियर। माइनस से माइनस कटा, x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, अभी तक सही हो रहा है नहीं हो रहा, x इज इक्वल टू जाएगा 600 डिवाइडेड बाई 1 सेंटीमीटर आ जाएगा, क्योंकि इसके पास भी 1 सेंटीमीटर, तो सेंटीमीटर तो यहां पे फाइनल जो रिजल्ट है वो सेंटीमीटर में आएगा, कितना आ रहा है 12 सेंटीमीटर, ठीक है। इट मींस हमारी आर क्यू थी क्यू आर 12 सेंटीमीटर था और जो पी आर था हाइपोटेन्यूज था वो 25 माइनस 12 सेंटीमीटर, मतलब कितना हो जाएगा 13 सेंटीमीटर हो जाएगा, ठीक है, इसे नोट कर लो। अब इसमें जो पूछा था वो क्या पूछा था कि साइन पी कॉस पी एंड टेन, ठीक है, इसे एक बार नोट कर लो। एक्स कितना है हमारा, क्यू आर कितना है हमारा, 13 नहीं, और पी आर कितना है 13 सेंटीमीटर, ठीक है। इट मीन्स अब ये वाली साइड हमारी 13 हो गई है। अब हमें साइन पी निकालना है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, लेकिन याद रखो परपेंडिकुलर अगर ये साइन पी है तो पी के लिए ये परपेंडिकुलर है सामने वाला, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, साइन पी इक्वल टू हो जाएगा क्यू आर अपॉन हाइपोटेन्यूज, क्यू आर कितना निकला हमारा 12 अपॉन, कॉस पी कितना हो जाएगा बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, इट मीन्स पी क्यू अपॉन पी आर कितना है 5 अपॉन 13 और 10 भी, ये तो बहुत इजी है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज कितना हो जाएगा 12 अपॉन पी के लिए 12 अपॉन 5, ठीक है। तो इसे नोट डाउन कर दो, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार रिपीट हुआ है। अब जो 11th क्वेश्चन दे रखा है ये ट्रू और फॉल्स है, बहुत ही मेरे हिसाब से काफी इजी है ट्रू और फॉल्स। वैसे ट्रू और फॉल्स चेंज हो चुके हैं सर, पिछले साल कुछ अलग ट्रू और फॉल्स थे, इस साल नए हैं। जैसे इस साल है कि भाई पहले जो थे वो थे कि क्या साइन थीटा की वैल्यू एंगल के साथ इंक्रीज करती है, तो यस करती है, ट्रू है, ठीक है। क्या कॉस थीटा की वैल्यू एंगल के साथ इंक्रीज करती है, ट्रू और फॉल्स, फॉल्स है, फॉल्स फॉल्स है, क्योंकि कॉस थीटा की वैल्यू क्या जाती है 1 से 0 जाती है, मतलब डिक्रीज करती है एंगल्स के साथ। और उसके बाद किसकी वैल्यू, उसके बाद कहता है कि क्या साइन थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा, बिल्कुल भी नहीं, साइन थीटा इज इक्वल टू कॉस
90 माइनस थीटा, ठीक है। तो ये एनसीईआरटी के जो अलग क्वेश्चन आप देख सकते हैं, ठीक है। तो ये मैं वीडियो यहीं एंड कर रहा हूं, इसके बाद ठीक है।